हेलो गाइस, मैं किशोर कुणाल और आप देख रहे हैं गर्दा फैक्ट। तो कैसे हो आप लोग, मैं वापस आ गया हूँ गर्दा उड़ा देने वाले फैक्ट्स के साथ। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है कोरोना वायरस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे COVID-19 यानी कोरोना वायरस के कुछ फैक्ट्स के बारे में जो लोगों को नहीं पता है। आज भी लोग भ्रम में हैं, बहुत सारे मीडिया और बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारे आर्टिकल्स पे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि सही नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पे और उनके भ्रम को, उनके झूठ को दूर करेंगे। तो फैक्ट्स की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, लेट द काउंटिंग बिगिन। जैसे कि अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं निकली है कोरोना वायरस की यानी कि COVID-19 की, तो जो लोग COVID-19 से पॉजिटिव हो रहे हैं उनका जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं वो सिम्टम बेस्ड पे इलाज कर रहे हैं और उनके हेल्थ के लिए उनको जो मेडिकेशन किया जा रहा है वो उनको सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है ब्रीदिंग में, कि उनको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई बता रहा है या फिर अगर आपको कहीं से पता चल रहा है कि इस डेट को या उस तारीख को कोई वैक्सीन निकलने वाली है, तो अभी तक मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक कोई भी डेट इशू नहीं हुई है कि किस डेट को वैक्सीन निकलेगा। अगर आपको कहीं से भी ये न्यूज़ मिल रही है कि एक बार कोरोना वायरस हो जाने के बाद आप इम्यून हो जाते हैं, तो आपको बता दूं कि ये न्यूज़ सरासर गलत है, पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून नहीं होती है। ऐसे केसेस आ चुके हैं जो कि कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद वापस कोरोना वायरस पॉजिटिव हो रहे हैं। फेस मास्क कोई गारंटी नहीं देता है कि आप कोरोना वायरस से बच ही जाएंगे। फेस मास्क एक्चुअल में उन लोगों के लिए है जिनको किसी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम अगर है तो फेस मास्क उनको पहनने के लिए है, ना कि एक नॉर्मल इंसान को जिसको कोई भी सिम्टम नहीं है। ओके, तो ये उनके लिए इसीलिए है क्योंकि अगर वो छींकते हैं या अगर वो खांसते हैं तो एयर ड्रॉपलेट उनके आसपास तक में कुछ देर तक रुकता है, तो हो सकता है कि वो वहाँ से चले भी जाए और कुछ देर बाद वहाँ से कोई इंसान ही क्रॉस करता है तो वो उसको इनहेल कर सकता है। जैसा कि हम जान रहे थे कि कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पीपल्स को या बच्चों को ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये कथन सरासर गलत है। आपको भी हो सकता है ये कोरोना वायरस। बता दूं आपको कि इम्यून कोई भी नहीं है कोरोना वायरस से। ओके, आपको भी ये कोरोना वायरस हो सकता है और कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जिनको होने के बाद अगर ये कोरोना वायरस होता है तो उनके लिए ये लीथल साबित हो सकता है और इसमें जान भी जा सकती है। जैसे कि आपको बता दूं कि अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ये सारी जो डिजीज़ हैं इसमें अगर आपको कोरोना होता है तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लीथल साबित हो सकता है। एक न्यूज़ और आ रही थी कि गर्मी में कोरोना वायरस नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि गर्मियां शायद अभी चल ही रही हैं और कोरोना वायरस के रेशियो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये भी एक तरह का फेक न्यूज़ था। तो गर्मी में भी कोरोना वायरस होगा और सिर्फ गर्मी में ही नहीं, हर तरह के कंडीशन में कोरोना वायरस फैल सकता है। बस उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हीट में थोड़ी सी कम हो जाती है और कोल्ड कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बट ऐसा नहीं है कि गर्मी आने पे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आजकल बहुत सारे न्यूज़ में बहुत सारी स्टोरीज आती है
कि एक महीने के बाद कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, दो महीने के बाद कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये महामारी अभी कोई भी डे फिक्स नहीं है कि कब ख़त्म होगा। ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं और जितने भी पॉजिटिव पीपल हैं उनको डायग्नोस करते हैं, डायग्नोसिस करने के बाद उनको ठीक करते हैं, ओके, और आगे कोई केस फैलने नहीं देते हैं। तो ये हमारे हाथ में ही है। अगर हम ऐसे केसेस में मार्केट में जाएंगे, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोरोना वायरस और ज़्यादा फैलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो गाइस, कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से मेरे अगले आने वाली वीडियोज़ का आपको पता चलेगा। बाय बाय, टेक केयर।